हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी खास चुनावी पेशकश यूपी किसकी में। आजाद और अखिलेश में छिड़ी जंग किस मोड़ पर पहुंची, किसने कहा चंद्रशेखर आजाद को कहीं नहीं जाने देंगे, चुनाव में किस करवट बैठेंगे टिकट बंधु और मायावती के पुराने बयान क्यों हो रहे हैं वायरल, और किसने शुरू की अली और बजरंगबली के नाम पर लड़ाई। आज की दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट्स लेकर मैं हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं आज दिन भर की पॉलिटिकल अपडेट्स के बारे में। यूपी चुनाव पर आज की पहली बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की ओर से लगाए सभी आरोपों पर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी और सिलसिलेवार ढंग से अपना पक्ष रखा। अखिलेश ने गठबंधन ना हो पाने के लिए आजाद पर ही ठीकरा फोड़ दिया। आजाद के आरोपों का अखिलेश ने दिया जवाब। जिस समय मैंने दो सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। अखिलेश बोले, भाई बनकर काम करना है तो करे। अगर वो भाई बनकर भी मदद करना चाहते हैं तो करें। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पहले चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया था और अब अखिलेश यादव ने आजाद के आरोपों का जवाब दिया है। अखिलेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि इसके लिए आजाद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले वो दो सीटों पर मान गए थे लेकिन फिर बाद में मना कर दिया। अखिलेश ने आजाद के भाई मानने वाले बयान पर भी जवाब दिया। जिस समय मैंने दो सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद पता नहीं कहां संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहां बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दो सीट पे नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था। अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पहले भी कोशिश की थी और अब भी प्रयास किया, लेकिन कोई है जो एक नहीं होने देना चाहता। केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं के पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था। उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए। इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। शनिवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर क्या कहा था वो भी सुनिए। रोकने के लिए हमने कदम बढ़ाया, सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें। और दो दिन में निराशा हुई कि एक महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर, फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो
शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। हालांकि बाद में आजाद ने कहा कि अगर अखिलेश मुझे छोटा भाई मान ले तो बिना शर्त काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे में आज अखिलेश ने ये तो कह ही दिया कि वो भाई समझकर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आजाद क्या फैसला करते हैं। अखिलेश ने एक बार फिर गेंद आजाद के पाले में डाल दी है, लेकिन आजाद ने सिर्फ 2 सीट ऑफर करने को दलितों के अपमान से जोड़ दिया है। आजाद बार बार कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो यूपी की 21% दलित आबादी का सम्मान चाहते हैं और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। अखिलेश त्याग की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दलित आबादी को प्रतिनिधित्व के नाम पर 2 सीटों का ऑफर शायद त्याग की भावना को नहीं दर्शाता। जहां तक भाई बनकर समर्थन देने की बात है तो इस पर आजाद कल अपना फैसला सुनाएंगे। कल दोपहर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अखिलेश के इस ऑफर पर अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि राजभर ने बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि मैं चंद्रशेखर को कहीं नहीं जाने दूंगा। एक तरफ अखिलेश ने आजाद पर सब कुछ छोड़ दिया है, तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो चंद्रशेखर के साथ हर हाल में गठबंधन करना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपने कोटे से ही टिकट क्यों न देनी पड़े। आज तक से खास बातचीत में राजभर ने कहा कि मैं चंद्रशेखर को कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपने कोटे से ही चंद्रशेखर को टिकट क्यों न देनी पड़े। तो अब अखिलेश के ऑफर पर चंद्रशेखर आजाद क्या फैसला लेते हैं ये कल पता चलेगा। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर है उसके बयान ने फिर से इस बात को हवा दे दी है कि क्या अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश और राजभर में गठबंधन होने से पहले चंद्रशेखर आजाद और ओपी राजभर और ओवैसी के बीच में एक अघोषित सा गठबंधन था। वो लोग साथ में मिलकर मुलाकातें करते थे, बातें करते थे और ये कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में कोई एक थर्ड फ्रंट जैसी वो कोई चीज बना सकते हैं, लेकिन फिर वो मोर्चा तो कामयाब नहीं हुआ। अखिलेश ने ओपी राजभर को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन आजाद से गठबंधन नहीं हो पाया। वहीं ओवैसी के साथ वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी राहें अलग हैं। तो इस तरह से ये पहला जो मोर्चा था वो कामयाब नहीं हो पाया। शायद उसी रिश्ते का सम्मान करते हुए, उन्हीं भावनाओं का सम्मान करते हुए ओपी राजभर ने कहा है कि भले ही हमें अपने कोटे की टिकट देना पड़े, लेकिन हम चंद्रशेखर आजाद को कहीं नहीं जाने देंगे। क्या होता है इस पर कल चंद्रशेखर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रुख साफ हो जाएगा। तीसरी खबर यह है कि अखिलेश ने लिया अनसंकल्प। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए किसानों को लुभाने की कोशिश की और अनसंकल्प लेकर दावा किया कि वो बीजेपी को हराएंगे और उसे हटाएंगे। योगी के खिलाफ अखिलेश का अनसंकल्प। जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे, ये हमारा अनसंकल्प है। सपा दफ्तर में गूंजा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव ने किसान नेताओं और समर्थकों के साथ कुछ इस तरह अनसंकल्प लिया। यह अनसंकल्प योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए है। ये जय जवान और जय किसान का नारा बीजेपी के खिलाफ किसानों के दिल में बसे गुस्से को वोटों में तब्दील करने के लिए है और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंतोगत वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर ब्रिग जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर ब्रिग के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। अखिलेश ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और शहीद किसानों को मुआवजा देने की बात भी दोहराई और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जय जवान जय किसान। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं,
उन मुकदमों को सभी वापस लिया जाएगा। जिन किसानों की जान गई है, शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए सरकार बनने पर दिया जाएगा। अखिलेश ने यह अनसंकल्प भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के बयान के बाद दिया है। नरेश टिकैत का सपा और राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन देने का बयान सामने आने के बाद गठबंधन ने खुशी जताई थी। हालांकि 24 घंटे के भीतर ही किसान नेता नरेश टिकैत अपने बयान से पलट गए। यूपी चुनाव में उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन न देने की बात कही है, लेकिन राजनीति में सब कुछ साफ साफ नहीं कहा जाता, कुछ बातें इशारों में ही होती हैं। जाहिर सी बात है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और उसका फायदा SP-RLD गठबंधन को होने के कयास लगाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि उसको फायदा हो सकता है। साथ ही जयंत चौधरी जो हैं RLD के जो नेता हैं वो खुद जाट हैं और उनके पिता की जो है उनकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे में जाटों की उनके प्रति सहानुभूति भी है। लेकिन टिकैत बंधुओं के दिल में आखिर क्या है, ये इसको लेकर सस्पेंस हो गया। और अगली खबर भी ऐसी ही है कि चौथी खबर ये है कि नरेश टिकैत से मिले हैं संजीव बालियान। मोदी के मंत्री संजीव बालियान ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। बालियान नरेश टिकैत के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में क्या बात हुई इसकी कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। हालांकि इतना तो साफ है कि चुनावी मौसम में कोई सिर्फ हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा होगा, बात तो सियासत पर ही हुई होगी। बीजेपी की कोशिश है कि किसान आंदोलन के कारण जो गुस्सा उपजा है उसको जाट नेताओं के सारे शांत किया जा सके, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा और टिकैत बंधु किस करवट बैठते हैं, इस पर भी पश्चिमी यूपी की सियासत में जरूर असर होगा, उस पर ये निर्भर करेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पांचवी खबर ये है कि योगी ने सपा उम्मीदवारों पर एक बार फिर से निशाना साधा है। आज यूपी के CM योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में कोविड सेंटर का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर से सपा उम्मीदवारों पर निशाना साधा। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार फिर बनेगी और वो अपराधियों को बिलों में घुसा देंगे। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बनाकर के समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था, इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। अब कौन बिल में घुसेगा, कौन विधानसभा के अंदर, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक बीजेपी के अपराध मुक्त होने की बात है तो केंद्र सरकार की एजेंसी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि योगी राज में यूपी अपराध में नंबर 1 बना है। यहां दलितों, महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा बड़े हैं। यहां पर जो भी अपराध के मामले हैं वो NCRB का डेटा ये जाहिर कर देता है कि यूपी में योगी राज में जो ठोको नीति चल रही थी, जो एनकाउंटर होते थे, जो बदमाशों के खिलाफ बयानबाजी होती थी, उसका कोई शायद बहुत ज्यादा असर यूपी में नहीं हुआ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छठी खबर ये है कि रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर मायावती का जिक्र हुआ है। आज डॉक्टर रोहित वेमुला का शहादत दिवस है। मनुवादियों ने उन्हें साजिश करके मार डाला था, लेकिन रोहित के साथ आज मायावती का भी जिक्र हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने मायावती के उस भाषण को शेयर किया जब उन्होंने रोहित के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। जब रोहित वेमुला की हत्या पर संसद में बरसी थी मायावती, रोहित वाले मामले को सरकार दबाना चाहती है। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या पर दिया था इस्तीफा। मैं हर के इस्तीफा दे रही हूं। आज डॉक्टर रोहित वेमुला का शहादत दिवस है। आज से 5 साल पहले 17 जनवरी 2016 को
हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की मनुवादियों ने मिलकर सांस्थानिक हत्या कर दी थी। रोहित वेमुला का मसला बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तब संसद में उठाया था। तब मायावती राज्यसभा की सांसद थी, लेकिन जब मनुवादियों ने संसद में उन्हें बोलने से रोका तो उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि जब मैं अपने लोगों की आवाज यहाँ नहीं उठा सकती तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब है। दोनों मुद्दों को एक साथ चर्चा के अंदर डाला है, इससे सरकार की नीयत नजर आती है कि रोहित वाले मामले को सरकार दबाना चाहती है, सरकार दबाना चाहती है। ये कांड पहले हुआ था, जेएनयू का मामला बाद में आया, दोनों पेपर अलग अलग चाहिए थी, ये चर्चा करके इस मामले को दबाना चाहते हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर ये मामला उठाना पड़ा है। हम जवाब जानना चाहते हैं कि जो न्यायिक जांच कमेटी है, बहन जी मेरा मेरा अनुरोध है और मान्य नौ जी सर ये अलाउड यू थ्री मिनट जीरो आवर नहीं है ये, स्थगन प्रस्ताव मैंने बोला आप तीन मिनट बोलने दो, आप मेरी थोड़ी और बात है, अभी तो पांच मिनट हो गया भाई, मैंने बोला तीन मिनट, तीन मिनट वो लोग उधर से सब बोलते हैं, अच्छा नहीं, मेरी बात पूरी रखने दो, अच्छा नहीं। माननीय उपसभापति जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, मेरी बात को रखने दो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तब रोहित वेमुला की मां राधिका और भाई राजा वेमुला से भी मुलाकात की थी। बीएसपी नेताओं के मुताबिक मायावती ने उस समय रोहित के घर वालों को 10 लाख रुपए की मदद भी की थी। फेसबुक पर बिहार बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष कुणाल किशोर विवेक ने लिखा,
बहन मायावती जी ने मुझे और मेरी माँ को घर बुलाया। उन्होंने एक सूटकेस तैयार रखा था। हम जब वहाँ गए तो उन्होंने हमारी आर्थिक सहायता हेतु मेरी माँ को वो सूटकेस दे दिया। इसमें 10 लाख रुपए थे। राजा वेमुला रोहित वेमुला के भाई। रोहित वेमुला के भाई के हवाले से कुणाल ने ये बयान फेसबुक पर साझा किया है। रोहित वेमुला के हत्यारे आज भी आजाद घूम रहे हैं और संस्थानों में जाने कितने ही रोहित वेमुला मनुवादियों की नफरत का शिकार हो रहे हैं। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या का आरोप हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रेय और एबीवीपी के लोगों पर लगा था, लेकिन रोहित की हत्या के आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं और जाने कितने ही रोहित इस तरह की साजिश और जातिवाद का शिकार हो रहे हैं। हम रोहित वेमुला की शहादत पर उन्हें नमन करते हैं और आप सबसे ये अपील करते हैं कि दुष्ट मनुवादियों की साजिश से ना घबराएं और डटकर ऐसे लोगों का सामना करें। आगे बढ़ते हैं। सातवीं खबर ये है कि आरएलडी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। एसपी आरएलडी गठबंधन की तीसरी लिस्ट भी सामने आ गई है। आज आरएलडी ने दो और सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। छपरौली सीट से वीरपाल राठी और बड़ौद सीट से जयवीर सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया गया है। दो और नाम आने के बाद आरएलडी उम्मीदवारों की संख्या 38 हो गई है। यानी अखिलेश ने जयंत चौधरी को 38 सीटें दी हैं। पश्चिमी यूपी में खासकर जो जाट आंदोलन की वजह से, जो किसान आंदोलन की वजह से जो माहौल बना है, उसको नजर में रखते हुए आरएलडी को ज्यादा महत्व दिया। अखिलेश ने ज्यादा सीटें दी हैं, लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ 2 सीटों का ऑफर किया। तो ये कुल मिलाकर जो सियासी गुणा भाग है यूपी में, अब ये तेज हो गया है और आरएलडी को फिलहाल 38 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने कर दिया है। उनके नाम सामने आ गए हैं। अगली खबर पर बढ़ते हैं। आठवीं खबर ये है कि ओवैसी ने भी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। यूपी के पहले चरण के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से पंडित मनमोहन झा, मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी, मुजफ्फरनगर के चारथावल से ताहिर अंसारी, फरुखाबाद के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से तालिब सिद्दीकी, झांसी सदर क्षेत्र से सादिक अली, अयोध्या के रुदाली क्षेत्र से शहर अफगान, बरेली के बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से तौफिक प्रधान और बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र से डॉक्टर अब्दुल मनन का नाम शामिल है। AIMIM ने यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिहार में चुनावी सफलता मिलने के बाद ओवैसी जो हैं वो यूपी में भी अपनी राजनीतिक जमीन को जोर जोर से तलाश रहे हैं, वो इसका ऐलान करते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बिहार के सीमांचल फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने साल 2020 के बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों पर खास फोकस किया है, जहां पर 35% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, वहां वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तमाम तरह के वो बयान दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वो यूपी में बिहार की तरह कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं और क्या वो खुद को किंग मेकर बनाने की उस लाइन में शामिल करना चाहते हैं जहां उनका रुतबा यूपी में भी बढ़ जाए, ये बड़ा सवाल उठता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नौवीं खबर ये है, बीजेपी नेता नंदकिशोर गुर्जर का बयान वायरल हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख पास आते ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने अली और बजरंग बली को लेकर भड़काऊ बयान दिया, जिस पर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है। मुझे जानकारी आई है और जो उसमें लिखा है नोटिस में, तो मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, इसलिए वो मेरा आस्था का विषय है। और जहाँ तक अली की बात है, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसमें जो कत्लेआम कराया था, देश का बंटवारा किया था, उस संबंध में हमने बात कही है। जो बाहुबलियों के लिए जो माननीय चुनाव आयोग का जो निर्देश है कि बाहुबली जो है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, तो उन्हीं बाहुबलियों, हमारे यहाँ एक बाहुबली को टिकट दिया गया है, उसी के संदर्भ में हमने कोई बात कही है। उसका किसी धर्म से किसी और दूसरे अन्य परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ लिया जाना गलत। जैसे जैसे चुनावों की तारीख पास आती जाएगी, वैसे वैसे इस तरह के बयानों में भी तेजी आती जाएगी। ना कोई लगाम लगाने वाला है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे अपनी नैया पार लगाने के लिए ऐसी नेताओं को
खुली छूट देती रही है, तो ऐसे जो नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी आने वाले दिनों में और भी कर सकते हैं, ये हमने अक्सर देखा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 10वीं खबर ये है कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं लखीमपुर कांड में जान गंवाने वाले पत्रकार रमन कश्यप के भाई। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जानकारी ये भी है कि कांग्रेस पवन कश्यप को निघासन विधानसभा से उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने सतीश अजमानी ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए जो रमन कश्यप है उनके भाई को आज पवन कश्यप को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है, तो वो उनको उम्मीदवार भी बना सकते हैं। तो ये थी आज की दिन भर की पॉलिटिकल खबरें यूपी में, जिसमें हमने जाना कि क्या कुछ हुआ है चंद्रशेखर और आजाद के बीच में, ओपी राजभर ने क्या कहा, मायावती के बयानों की हमने बात की, और खासकर हमने बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बयानों की भी बात की। ये खबरें हमने आप तक पहुंचाई और उनके कुछ कुछ सियासी मायने जानने की भी कोशिश की, जिन्हें हमने बिना किसी लाग लपेट और गुणा भाग के आप तक पहुंचाया, ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप खुद अपनी राय बना सके। तो ये दिन भर का पॉलिटिकल अपडेट था। यूपी चुनाव पर हमारी खास कवरेज जो है वो दिन भर जारी रहती है। आपको यूपी चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर या विश्लेषण जानना हो तो द न्यूज वीक पर आइए, वहां आपको वो जरूर मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको जो नए वीडियो है उनकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं।